राज्य सरकार की वादा खिलाफी व विफलताओं के विरोध में भाजपा का लबोल। राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जमारामगढ़ जयपुर। जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपखंड कार्यालय जमारामगढ़ पर भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा के नेतृत्व में अल्लाबोल कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व बस स्टैंड जमारामगढ़ पर भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों व विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी का झूठा वादा व आए दिन हो रहे बढ़ती परीक्षाओं में पेपर लीक होना यह युवाओं के भविष्य के साथ टुकराघात होना बताया है। युवाओं को बेरोजगार भत्ते के रूप में 3,500 रुपए, युवाओं को रोजगार, महिला अत्याचार एवं लूटपाट जैसी घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर जमकर फरार किया। इसके बाद में बस स्टैंड से लेकर उपखंड कार्यालय जमारामगढ़ तक पैदल मार्च कर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी जमारामगढ़ को ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश नौनपुरा, भाजपा युवा नेता राकेश प्रधान बाड़भूज, पूर्व जिला पार्षद रामफूल सैनी, आईटी सेल संयोजक राजेंद्र शर्मा आदि, एससी मोर्चा जिला मंत्री रोशन वर्मा, एससी मोर्चा जिला महामंत्री मोहन वर्मा, मंडल मंत्री ओम प्रकाश जासडावत, जिला मंत्री बाबूलाल खटाना, जिला उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा सीताराम चापोला, नटाटा सरपंच राजेंद्र मीणा, सायवाड़ सरपंच राजेंद्र गुनकर, नरेंद्र गुर्जर, मंडल महामंत्री व पूर्व सरपंच अशोक शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान।